रो रहे हैं। क्यों भाई आप क्यों रो रहे हैं? आपकी कृपा बिना हम तो आपको गुरु मान लिए हैं, आप हमको दीक्षा नहीं देंगे तो हम प्राण त्याग देंगे। लो अरे भाई हम दीक्षा भिक्षा नहीं देते, हम उस लायक नहीं है, हम कौन मानता है ना। अनर्थ चार प्रकार है, दुष्कृत जात अनर्थ, सुकृत जात अनर्थ, भक्तित्व अनर्थ, अपराधत्व अनर्थ, चार प्रकार अनर्थ है। ये अनर्थ साधक के लिए महाबाधक हो जाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है साधक के लिए, मां खतरनाक, पहचानना बहुत कठिन है कौन सा अनर्थ हमारे सामने आ गया। इसका लक्षण है, लक्षण दिख करके तुमको पहचान करना पड़ेगा। साधक के लिए सब जानना बहुत जरूरी है, कौन सा अनर्थ हमारे सामने आकर के हमको घेर रहा है। हम भी देख रहे हैं, ये तमाशा हम बैठे बैठे देख रहे हैं, ये कौन सा अनर्थ है। अनर्थ है, कोई कहते हैं ये भजन भजन का प्रताप है, ये प्रताप नहीं, प्रताप नहीं अनर्थ है, ये माया है। भजन का प्रताप नहीं, इसको प्रताप कहा नहीं जाता, बड़ा भजन नंदी है, भजन का प्रताप है, बड़े सेठ आते हैं, सेठानी आते हैं, बड़े भंडारा चल रहा है, बड़ा प्रताप है, प्रताप नहीं, और कोई प्रताप प्रताप नहीं, ये माया है, ये माया है, कुछ नहीं है। पहचानना बहुत कठिन है। तो दुष्कृति जाता अनर्थ, इस अनर्थ का लक्षण क्या है? आदि व्याधि उपाधि दुख दंड दारिद्र नाना प्रकार बाधा विपत्ति हमको भजन करने नहीं देते। भजन में थोड़ा सा मन लग रहा है, इसमें एक कोई अनर्थ आके हाजिर हो गया, आसन छोड़ के हमको जाना ही पड़ेगा, चलो काल ही हमको जाना पड़ेगा। कोई कुछ हो गया तो कुछ व्याधि आ गया, तो कुछ संसारी कोई विपत्ति आ गया, कुछ हो गया, इस तरह से इसको कहते हैं दुष्कृति जात अनर्थ। शरीर में कोई व्याधि आ गया, हम आसन लेकर भजन में बैठे हैं, बस भजन के समय ही वो व्याधि आक्रमण कर लिया। ऐसा हम जब पहले बरसाना में आए, आज से लगभग 40 साल पहले जब हम बरसाना में आए, चतुर्मास व्रत शुरू किए हैं, मौन रह करके एकांत में जंगल में, जंगल में नहीं भानुकोर में रहते थे, उधर कुछ नहीं था, वहां तो भूत रहता था, कोई साधु संत तो नहीं रहते, एकादी रहते थे। बात चतुर्मास शुरू किया, व्याधि शुरू हो गया, भयंकर व्याधि, एक तो पत्थरों के पेट में वो बैठा ही जाता नहीं है, बस सो जाओ ऐसे, इधर धक्का मरत इधर आ जाता है, इधर धक्का मरत इधर आ जाता है, इतना बड़ा एक पत्थर जैसे पेट में हो गया। मौन है, पैसा कोड़ी है नहीं, कोई भक्त है नहीं, देखने वाला कोई है नहीं, चतुर्मास बड़े कष्ट से बिताया। चतुर्मास गया, पत्थर पत्थर सब ठीक हो गया, ऑटोमेटिक हम ठीक हो गए, खत्म। और 4 मास हमको नियम भंग करके छोड़ दिया, प्रतिदिन बुखार, यह है नाना प्रकार, मैंने 50 व्याधि लग गया हमारे पीछे, 50 व्याधि लग गया। 4 महीना बड़े कष्ट से बिताया, नियम टियम तो सब छूट गया, शरीर के पीछे ही इस तरह से समय व्यतीत हो गया। 4 महीना गया, सब बीमारी भी गया एकदम, 2 बार ऐसे गया हमारे सामने नियम सेवा। ये तो ये क्या है, अनर्थ है, इसका दुष्कृति जाता अनर्थ। फिर सुकृति जाता अनर्थ, सुकृति जाता अनर्थ है, तुमने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया, खूब दान पुण्य आदि किया, इस जन्म में उस समय को आशा किए जो हमको कुछ मिले, ये मिले, वस्तु मिले, हमको कुछ धन मिले, ये सब कामना वासना लेकर के खूब दान पुण्य किया। इस जन्म में तुमने तो मन से हटा दिया, आप कुछ नहीं चाहिए, आप तुम्हारे प्रभु तुम्हारे चरण में हमको एकमात्र भक्ति चाहिए, लेकिन क्या होगा, तुम्हारी वो पूर्व जन्म के तुमने दान पुण्य किए ना, फलस्वरूप तुम्हारे सामने आकर के सेठ सेठानी के महाराज लीजिए कुछ कुछ पैसा लीजिए। अरे बाबा आप पैसे छूते नहीं, लेते ना ना महाराज, ले लगा दीजिए, कहीं और कहीं जाएगा नहीं, इतना साधु संत है वहां जाएगा ही नहीं, जाएगा तो अनर्थ है ना, उसका कंधे में चढ़ना है, उसका कंधे पे चढ़ना है, इतना सहज है, इतना जगह है, मांग रहे हैं हाथ पसार के खड़े, हा पैसा हा पैसा, वहां जाता ही नहीं, मांगने से भी देगा नहीं, और यहाँ नहीं लेने से भी ना, महाराज आप जैसे हो जहां हो सेवा में लगा दीजिए,
बोले बोले ये सब कैसे, तो ले तो अनर्थ दे तो डबल अनर्थ, लेके अगर तुम दोगे तो डबल अनर्थ। तो ये सुकृति जातो अनर्थ, ये कोई भजन प्रताप नहीं, ये अनर्थ है, इसको कहते हैं सुकृति जातो अनर्थ। फिर भक्तित्व अनर्थ, फिर भजन करते 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 थोड़ा सा स्थिति में पहुंचे उस्त्रकंप पुलक, राजन के चिंतन में एक तल्लीनता, दुनियादारी से मुक्त होकर के एकांत में बैठ करके हम राजन के चिंतन में एक तल्लीनता आ गई है, अच्छा लग रहा है, दुनिया से अब संपर्क में जाएंगे नहीं, अब एकांत में रह करके हाँ राधारण ने बहुत भूल किए हैं, इतने कीमती समय हमने वृथा गंवा दिए हैं, आप तुम्हारी कृपा से हम अनुभव कर रहे हैं राधारणी आप कहीं जाएंगे नहीं, आप तुम्हारे चिंतन में इस तरह से हम दरोजा बंद करके हम तुम्हारे चिंतन में जब तक शरीर है तब तक तुम्हारे शरण में रह करके दिन बिता देंगे, ऐसा थोड़ी होगा, वहाँ अनर्थ आ जाएगा, नाम हो जाता और बड़ा भजन आनंदी है बाबा, बड़ा भजन आनंदी है, अरे बाबा ऐसे 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 तैसे तैसे, अब बस आप तो भजन कर रहे हैं वहां आके बैठे, बाबा कब निकलेंगे, बाबा का दर्शन करके जय जय श्री राधे श्याम, ऐसा हुआ। नीताई बाबा जानता है सब, हम भी प्रेम सरोवर जब थे हमको क्या क्या परिस्थिति के अंदर हम गुजरे, एकमात्र हम जानते हैं, नीताई बाबा को जानता है, लेकिन वो हमारा बड़ा बड़ी हमारे साथ में रहती थी। भजन समाप्त, फिर बाबा निकल रहे हैं और सब जय जय कर एकदम दंडवत कर रहे, कोई पाम छू रहे, कोई डंडा दे करके पाम हाथ में आ रही रहे तो डंडा दे के पाम छू करके माथे में टेका रहे हैं, और परेशान करके बाबा ये लो दान लो, क्या चाहिए बाबा, सेवा बताइए हमारे लायक सेवा बताइए, अरे भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए भैया, वो कौन सुनता है, हैं? फिर रो रहे हैं, क्यों भाई आप क्यों रो रहे हैं, आपकी कृपा बिना हम तो आपको गुरु मान लिए हैं, आप हमको दीक्षा नहीं देंगे तो हम प्राण त्याग देंगे, लो अरे भाई हम दीक्षा भिक्षा नहीं देते, हम उस लायक नहीं है, हम कौन मानता है ना, शुरू हो गया एरक आ रहे हैं 10-20 बाबा की कृपा, कोई कोई सेठ आते हैं जो बैठ के थोड़ा सा हाथ माथे में लग जाए तो हमारा बस जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा काम फैक्ट्री अच्छा ढंग चलना शुरू हो जाएगा, पर सिद्ध महात्मा सीटा निकाली लिखा रहे हैं और हम भजन थोड़ी होता है, भजन तो छूट गया, इसको कहते हैं भक्तित्व अनर्थ, भक्ति से अनर्थ नहीं, माने ये माया है, जब साधक थोड़ा भजन में आगे बढ़ जाते हैं तो इस तरह से माया आके उसको परेशान करते हैं, कभी कभी साधक इसी में मोहित हो जाते हैं, वो सोचते हैं आहा कितने रो रहे हैं, आहा देखो कैसे जीवात्मा है, अच्छा इनको थोड़ा कृपा कर दो, चलो थोड़ा ये तो भजन ही करेगा, तुमने कृपा किया मान लो तुम गया, आ सामर्थ्य महापुरुष उनके बात अलग है, हम जैसे साधु अगर ऐसे कृपा करना शुरू कर देंगे ना तो भजन चौपट हरिबोल, आप 2 दिन पीछे भी चिल्ला चीटी आ करके सब ऐसे तुमको घेर लेंगे, कहाँ भजन करने देंगे, यह है भक्तित्व अनर्थ।